हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट माय नेम इज प्रांजल जैन और आज हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रेप सिटी का एक प्रीवियस क्वेश्चन अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम नंबर्स टू वर्ड्स गिवेन एन इंटीजर एन एज इनपुट प्रिंट द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड फॉर दैट नंबर तो देखते हैं ये सॉल्व करना कैसे तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें कुछ एरे बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग एरे उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे यह भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दूंगा तो पहला एरे कैसा बनेगा देखो जो 19 तक नंबर्स हैं वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं इसका क्या मतलब है जैसे कोई 25 है 36 है तो वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं थ्री के लिए 30 आ गया और सिक्स के लिए सिक्स आ गया तरीके से 47 है के लिए 40 आ गया और सेवन के लिए सेवन आ गया लेकिन 19 तक जो नंबर है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वो ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले एक एरे बनाएंगे जो वन से लेकर नाइनटीन तक नंबर आपके स्टोर कर लेगा इसी तरीके से 19 तक सारे नंबर्स आपके स्टोर कर लिए जाएंगे ठीक है तो हमने ये एक स्ट्रिंग एरे बना दिया है तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि जो टेंस एंड वंस प्लेस का हमारा जो नंबर बनता है उसको हम लोग प्रिंट करा पाए एक थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लेते ले हैं वन टू थ्री फोर सबसे पहले इस पार्ट पे फोकस करते हैं लास्ट टू डिजिट्स पे ठीक है एक स्ट्रिंग एरे और ले लेंगे जहां पे हम लोग जो भी टेंस प्लेस पे आता है उस चीज को स्टोर कराते जाएंगे देखो मैंने यहाँ पे पहली स्ट्रिंग ब्लैंक है आपको, आपको। यहाँ पे क्या करेंगे दो स्पेसेस ब्लैंक छोड़ेंगे या तो ये जीरो हो या तो ये वन हो तब आपको कुछ नहीं डालना है आपको शुरू करना है टू से मतलब ट्वेंटी से ट्वेंटी थर्टी और इसी तरीके से ये भी आपका चलेगा पूरा नाइन्टी तक नाइन आएगा तो नाइन्टी पे जाएंगे तो ये इंडेसेज अगर आप देखो ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है इसी तरीके से ये नाइन पे आपको मिल जाएगा अब देखते हैं इस नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे अगर जो नंबर है हमारा उसको मॉड हंड्रेड कर लें मॉड हंड्रेड कर लें तो दो डिजिट लास्ट लास्ट के जो उसके होंगे वो निकल के आ जाएंगे आपके पास तो यहां से आपके पास थर्टी फोर निकल के आ जाएगा एंड अब देखेंगे कि क्या ये या या उससे कम है। अगर 19 या उससे कम कम है है अगर तो सीधा इस एरे में जाके ऊपर वाले प्रिंट कर देंगे उस इंडेक्स पे जो भी लिखा हुआ होगा जैसे मान लीजिए ये एटीन होता तो एटीन इंडेक्स पे जो लिखा होता वो प्रिंट कर देते हैं तो सीधा 18 प्रिंट हो जाता काम खत्म हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है ये 34 है तो क्या करना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले इसको मॉट टेन करके अपॉन टेन कर लेना है तो mod 10 करेंगे फोर अलग आ जाएगा अपॉन टेन करेंगे थ्री निकल के आ जाएगा ठीक है करने करने से से अलग निकल के आ जाएगा, upon 10 करने से 3 आ जाएगा जाएगा अपॉन आपका अब थ्री इंडेक्स पे इस दूसरे एरे में जो भी लिखा है वो प्रिंट करना है तो ये हो गया थर्टी फोर्थ इंडेक्स पे ऊपर वाले एरे में जो भी लिखा है वो प्रिंट करना है वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको फोर तो ये बन गया हमारा 34 अब देखते हैं बाकी नंबर्स को कैसे प्रिंट करना है अब जो ये नंबर बचा इसको अपॉन हंड्रेड कर लेते हैं तो वन टू थ्री फोर क्योंकि लास्ट के दो डिजिट्स जो हैं उसको हम हैंडल कर चुके हैं अपॉन हंड्रेड करके उनको हटा देते हैं तो यहां पे हमें मिल जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व को हैंडल कैसे करना है फिर से इसको अपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा टू और इसको अपॉन टेन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल के वन तो अब जो टू है ये थर्ड प्लेस पे है मतलब हंड्रेड पे है तो हमें फिर से ऊपर वाले आरे पे जाना है जो भी टू लोकेशन पे लिखा हुआ है मतलब टू वो प्रिंट करना है और आगे प्रिंट करना है हंड्रेड तो ये बन जाएगा आपका टू हंड्रेड तो ये बन गया आपका टू हंड्रेड बचा के आपके पास आपके पास बचा वन और ये थाउजेंड प्लेस का नंबर है तो इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रिंट करेंगे फिर से सबसे ऊपर वाले आरे पे जाएंगे और देखेंगे वहां पे कि वन पे क्या रखा है वन इंडेक्स पे क्या रखा है तो वन रखा हुआ मिल जाएगा आपको प्रिंट करा देना वन और फिर थाउजेंड तो ये आपका हो गया वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर अब एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले हमने थर्टी फोर बनाया था फिर हमने टू हंड्रेड बनाया था फिर वन थाउजेंड बनाया था तो जो आपकी फाइनल आंसर वाली स्ट्रिंग होगी उसके अंदर सबसे पहले आपने थर्टी फोर डाल दिया उसके बाद आपने उसके स्टार्टिंग में 200 डालना है बाद में नहीं डालना वरना आपका नंबर बन जाएगा 34, 200, 1000, जो कि गलत हो जाएगा अब यहाँ पे हम 1000 पे क्यों रुक गए क्योंकि तो आप देखो इनपुट जो है हमारा वो जीरो से लेके 10,000 तक ही जा रहा है तो इसलिए इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है तो देख लेते हैं इसको कोड कैसे करेंगे लॉजिक हमें समझ में आ चुका है थोड़ा थोड़ा कोड के थ्रू हम लोग समझ लेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में कि ये सॉल्व होता कैसे है सबसे पहले वो दोनों स्ट्रिंग एरेज हम लोग बना लेते हैं जो हमने देखे थे जीरो पे ब्लैंक रहेगा वन पे डालेंगे वन इसी तरीके से पूरे नाइनटीन तक हमें यहां पे डालना पड़ेगा इसका कोई और छोटा तरीका नहीं है आपको इसी तरीके से ये करना पड़ेगा एट नाइन Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. 11 12 13 14 15 16 सेवेंटीन एटीन नाइनटीन तो नाइनटीन तक सारे नंबर्स हमने इसमें डाल दिए हैं अब क्या करना है अपना दूसरा एरे बना लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं जीरो आएगा तो कुछ प्रिंट नहीं करना है वन पे कुछ प्रिंट नहीं करना है टू से शुरू करना है तो यहां पे आएगा ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी 90, and that's it. हमारे दोनों एरेज बन चुके हैं दोनों स्ट्रिंग एरेज तैयार है अब हम जहां भी फाइनल स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग बना लेते हैं नाम देते हैं आंसर ब्लैंक स्ट्रिंग बना लेते हैं एक अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग पहले दो डिजिट को हैंडल करेंगे वन्स और प्लेस वाले जैसे कि हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन में कर रहे थे तो शुरू करते हैं एक इंटीजर ले लेते ले ले हैं टेम उसके अंदर डालते हैं एन मॉड हंड्रेड तो पहले दो डिजिट टेंप के अंदर आ गए हैं एन को साथ के साथ N upon 100 करके इन दोनों डिजिट्स को हटा लेते हैं अब जो टेम्प है अगर वो लेस देन ट्वेंटी है इसका क्या मतलब है कि हमें उसका डायरेक्ट कन्वर्जन स्पेलिंग में हमारे वंस एरे के अंदर मिल जाएगा तो आंसर के अंदर एड कर लेते हैं अभी आंसर एम है तो आंसर इक्वल टू वंस में जाके टेम्प डाल के उसकी स्पेलिंग इसमें ऐड कर लेते हैं अब अगर ऐसा नहीं है मतलब वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जैसे 35 है 47 है तो 35 है तो पहले 30 ऐड करना होगा फिर 5, 47 है तो पहले 40 ऐड करना पड़ेगा फिर 7। तो उस चीज को देख लेते हैं कि वो कैसे करेंगे सबसे पहले वंस डिजिट को हैंडल करते हैं तो temp mod 10 करने से वन्स डिजिट आपके पास आ जाएगा तो आंसर के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे वन्स में से उसकी स्पेलिंग निकाल के तो वन्स पोजीशन पे जो डिजिट है वो हैंडल हो चुकी है अब टेंस पोजीशन की तरफ चलते हैं अब जो हमें चीज ऐड करनी है वो पहले करनी है जैसे 35 में 30 पहले आएगा 5 बाद में तो 5 ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं अब हमें 30 ऐड करना है 5 से पहले तो कैसे करेंगे आंसर इक्वल टू अब टेंप अपॉन टेन करने से हमें टेंस डिजिट मिल जाएगी तो हम जाएंगे टेंस में टेंस वाले आरे में करेंगे टेंप अपॉन टेन प्लस एक स्पेस डालेंगे प्लस आंसर तो फाइव से पहले थर्टी भी हमने ऐड कर दिया है और हमारे पहले दो डिजिट हैंडल हो चुके हैं अब इसके आगे क्या करेंगे अब 100s डिजिट हैंडल करेंगे और 1000s डिजिट हैंडल करेंगे अब क्या देखना है हमें अगर n हमारा ग्रेटर देन 0 है और n मोड 10 भी हमारा ग्रेटर देन 0 है ठीक है तो इस केस में क्या करना है हमें एक डिजिट निकाल के लेके आनी है तो जैसे अगर हमारे पास 200 है तो 2 डिजिट निकल के आएगी हमारे पास और वो जो लगेगा टू थर्टी फाइव है मान लेते हैं तो थर्टी फाइव के पहले लगेगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड थर्टी फाइव बनाने के लिए तो इसमें क्या करेंगे आंसर इक्वल टू वंस में जाके एन मॉड टेन डाल देंगे टू थर्टी फाइव का इस बार टू निकल के आ जाएगा और टू की स्पेलिंग हमें वंस वाले स्ट्रिंग एरे से मिल जाएगी इसके आगे हम लोग डालेंगे हंड्रेड और इसके आगे डालेंगे हमारी पुरानी स्ट्रिंग पूरी ठीक है अब कर देंगे n इक्वल टू एन अपॉन टेन अब रह जाएगी सिर्फ ही सिर्फ वाली डिजिट अब देखते हैं थाउजेंड वाली डिजिट कैसे हैंडल करनी है अब सिर्फ थाउजेंड वाली डिजिट रह गई है अब क्या चेक करेंगे अगर हमारा n ग्रेटर देन जीरो है तो हमें क्या करना है वंस में जाके एन को डालना है तो एन जो भी होगा वन टू थ्री फोर उसकी स्पेलिंग हमारी निकल के आ जाएगी इसके आगे ऐड करना है थाउजेंड और ये कहा ऐड करना है आंसर से पहले तो प्लस आंसर और यहां लिखेंगे आंसर इक्वल टू दिस तो हमारी पूरी स्ट्रिंग बन गई है यहां तक इसमें हमारा एन इनपुट लेना रह गया था तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इनपुट ले लेते हैं तो ये हो गया हमारा इनपुट अब इसको रन करके देख लेते हैं तो विजिबल टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए एक बार सबमिट कर लेते हैं सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय